टिफिन भूल गई थी कि याद था? तो बैग में तुमको भारी लगना चाहिए ना कि नहीं है तो टिफिन हम ले लें, तो फिर हमको जाना पड़ता फिर स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा देखने से, एकदम आंख पता नहीं कैसा लग रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी तबीयत। खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो मेरे हस्बैंड तो चावल के बहुत प्रेमी है, शुगर है, लेकिन तब भी खाना चाहते हैं। मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, तो मैं चावल बनाने जा रही हूँ। बहुत सिंपल और बहुत ही जल्दी वो चावल बनता है, तो मैंने सोचा कि जब मैं बनाने जा रही थी तो आप लोगों को दिखा भी दूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है। मैं रिफाइंड का यूज नहीं करती, मैं मस्टर्ड ऑयल का ही यूज करती हूँ। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं बहुत सिंपल ही बना रही हूँ ये चावल, और सबको बहुत पसंद आएगा, आप लोग भी ट्राई करना। ये मैं तेज पत्ता डाल दूंगी, और ये हरी मिर्च, और ये छोटी इलायची, जीरा, लौंग और दालचीनी। उसके बाद प्याज, अदरक, लहसुन। ये सब चीज पक गया है, जब तक थोड़ा सा पिंक हो गया है, तो ये मैं सॉल्ट डाल दूंगी। चावल के हिसाब से सॉल्ट डालेंगे। फिर उसके बाद ये चावल मैंने डाल दिया है। इसमें अगर पुदीना हो तो पुदीना आप डाल सकते हैं, मेरे पास तो है नहीं। पुदीना डालने से टेस्ट और अच्छा आता है इसका। देसी घी नहीं था तो मैंने आज घी बनाया था। तो मैं घी कैसे निकालती हूँ, तो आप मेरे YouTube चैनल पे है, तो उसका ये पानी है, तो ये पानी डाल दूंगी तो देसी घी भी चला जाएगा अंदर। और पानी चावल के हिसाब से ही डालना है, और ये मैंने पानी डाल दिया है। बस इसमें पुदीने की कमी है बस, उसके बाद ये बंद कर देंगे। ये दो सीटी हो गया है, नहीं आ रही है, दो सीटी हो गया, मैं कुकर बंद कर दी हूं। ये मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो रोज भगवान के लिए दूध मैं निकाल ही देती हूँ डेली। ये पुलाव बन के तैयार हो गया है, ये चावल बन के तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी। मूली और गाजर का अचार, और ये ऊपर से घी। घी तो आप चाहे जितना डाल लिए। एकदम सिंपल और टेस्टी लंच थाली। हेलो फ्रेंड्स, आज 5 दिन हो गया मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
आज मैं दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ। गला दर्द हो रहा है और बहुत जैसे लग रहा है कि अंदर से बुखार है, बहुत खांसी आ रही है। सुबह का नाश्ता तो कुछ नहीं बना है, थोड़ा बहुत मैंने सूप भी नहीं किया, चेरी ने वर्मी से ही बनाया था। अब मैं तैयार होकर जाऊंगी डॉक्टर के पास। एक हफ्ते से बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। जब हम पड़ जाते हैं तो जैसे लगता है कि बस घर में सब कुछ इधर उधर हो गया है। ये फ्राइडे और सैटरडे का मिक्स व्लॉग है और उसके बाद मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं सिर्फ छोटा छोटा रील ही डाल रही थी, मैं व्लॉग बना नहीं पा रही थी। तो ये मैं चेरी की स्कूल गई थी पहले, वहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग था। स्कूल से फिर हम चेरी को ही लेके डॉक्टर के पास चले गए थे। मेरे घर से काफ़ी दूर डॉक्टर का क्लिनिक था तो वहाँ पे काफ़ी समय लग गया। हम लोग 10 बजे घर से निकले, हम लोग 1 बजे आए। मुझे बहुत तेज बुखार था तो वहाँ से आए हम लोग, चेरी साथ में थी तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि कम से कम एक सपोर्ट है मेरे साथ, नहीं तो मेरा बदन जल रहा। भागती नहीं थी, जैसे दूसरे कुछ तो रहते थे ना, हम लोग को पकड़ना पड़ता था। आपकी जिम्मेदारी है। ना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं तो बाहर से खाना आया है। ये पैकिंग है, बाहर का खाना आ जाया है। ये रायता है क्या? शायद कोई लेगा कि नहीं? क्यों, आप तो कह रहे थे कि नहीं, हम अब तुम देना मत हमें। लाडू इसमें चम्मच डाल बेटा, तू ये है मटर पनीर। हाथ खाली नहीं है मेरा। और इसमें क्या है? इसमें आलू बैगन आपकी फेवरेट। आलू बैगन ही है शायद, पता नहीं। अपने लिए एक दो और स्पून दो। सब्जी के लिए एक दो एक बस नहीं, अच्छा रहने दो तुम, मत दो दादी को, तो मिट्टी में दे देंगे। लो उनको दे आ बेटा, दे आ दादी को।
है, 2 दिन से बना रही है ये।